Dear students, okay, how are you all? I think I hope you all are good. And so this video I have brought it to you for the class 8th students, and this subject is maths, and we have started the chapter 1, and this video is part 6 of chapter 1. And in this video we will see very important question. Okay, what is the topic today? We have representation. What is that? Representation of rational numbers, of rational numbers, where on the number line, on the number line, मतलब आप rational numbers को number line पे कैसे represent करोगे? Here you have suppose number line. Okay, and this side -1, -2, -3, so on, और इधर infinity. So ये जो आपका number line है, on this number line how can you, or how you are going to represent some rational numbers, if they will ask you to represent some rational number like 7 by 6, they will ask. So how you are going to, or 6 by 7, they will ask, yeah, 4 by 5, yeah, 5 by 4, okay, any rational number, if they are asking you to represent, how you are going to locate these rational numbers on the number line. So initially already you have seen for the integers, and for the whole numbers, but now we will see natural numbers. रेशनल नंबर्स हाउ टू ओके. अगर यहाँ पे देखिए, ये सपोज मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा 0 पॉइंट है और ये 1 है, ठीक है, ये है 2 और ये है 3, एंड दिस साइड वी हैव निगेटिव नंबर्स. ओके, हियर वी हैव अप टू इन्फिनिटी. ओके, सो यहाँ से ये जो कहलाता है, एक मिनट, okay, from here and up to there, this unit is called as 1, unit, and this is also called as first unit. आप समझ में आया है, number line का जो पहला unit होगा वो यहाँ से 0 से लेके 1 के बीच तक ही होगा. Now one more thing, एक दूसरा आपको formula मैं बता रहा हूँ कि नंबर यहाँ पे कोई सा भी एक फ्रैक्शन, जैसे रेशनल नंबर आप ले लेते हो, लाइक यू हैव टेकन 4 by what, सपोज यू आर टेकिंग 4 by 9. ओके, सो मीन्स यू आर डिवाइडिंग 4 by 9. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. लेकिन इस सो here in this rational number, the number which is below the bar, that is the number in the denominator, ye denominator kya hai, 9 hai, the number in the denominator tells us that, kya kehta hai, tells us, wo kya bolta hai ki jo these many equal parts, into which the first unit has to be divided, tells us that number of equal parts into which what first unit what has to be divided. You got it, means हमारे पास ये एक number line है, 0 से अगर 1 तो मीन्स 4 by 9, डिनोमिनेटर में 9 है, मीन्स ये हमारा 1 है, तो मतलब ये हमारा पहला यूनिट है, तो इस यूनिट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 9 पार्ट्स में. ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये वाला पार्ट 9. सो दीज मैनी पार्ट्स, ये हमारा हो गया वट 1 by 9, दिस इज 2 by 9, दिस इज 3 by 9, and this is 4 by 9, this is
5 by 9 6 by 9 ऐसे जाते जाते आप यहाँ पे क्या करोगे 9 by 9 मतलब 1. सो दिस वैल्यू इज 1. यू गॉट इट. एंड दिस द नंबर इन द नॉमिनेटर व्हाट इट टेल्स. ओके सो दिस पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस हैव टू कंसीडर. हाउ मेनी ऑफ दिस पार्ट्स आर टू बी कंसीडर. अब इसके कितने पार्ट्स कंसीडर करना है वो हमें नॉमिनेटर वाला पार्ट बताता है. तो हमारे यहाँ पे 4 है मतलब 1 part 2 part 3 part 4 part मतलब यहाँ ये वाला जो नंबर है सो यही है वो 4 by 9. अगेन वंस अगेन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके हियर यू हैव नॉमिनेटर नॉमिनेटर एंड डी नॉमिनेटर. ओके ये बोलता है कि क्या फर्स्ट यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट डिवीजन कितने पार्ट्स में डिवीजन होगा. ओके ये कहता है कि दीज मेनी पार्ट्स हैव टू कंसीडर. ओके सो फॉर एग्जांपल इसको मैं रब कर देता हूँ. वी हैव व्हाट 5 by 6 लेट अस सपोज 5 by 6. यू नो दैट 5 by 6 जो होता है वैल्यू. ओके ये वैल्यू जो होता है वो ओके ये वैल्यू स्मॉलर है कि लेसर है वो हम बाद में देखेंगे. बट ये डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में 6 है. देन जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास नंबर लाइन पे उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 6 इक्वल ओके पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है. तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेंगे और यहाँ पे हो गया हमारा 0 और इक्वल पार्ट्स में सपोज़ ये हमारा 0 हो गया ये हमारा हो गया 1 ठीक है ये हमारा हो गया. सो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 ये देखो पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6. सो ये जो नंबर है इस ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 by 6. ओके ये हमारा हो जाएगा 2 by 6 ये हमारा हो जाएगा 3 by 6 ये हो जाएगा 4 by 6 और ये 5 by 6 और ये हो जाएगा हमारा 6 by 6. तो ही तो ये 1 हो जाएगा. 6 by 6 मतलब क्या 1. 6 by 6 मतलब क्या होता है 1. सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन दिस इज 0. ओके आई विल चेंज कलर हियर. हियर दिस इज द 6 by 6 एंड दिस वन इज 0. बट यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस 5 by 6. 6 क्या बोला कि हम ओके नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कर दिए कितने 1 2 3 4 5 6. ये जो 5 है ये क्या बोलता है कि दीज मेनी पार्ट्स हैव टू कंसीडर. तो 1 2 3 4 5 तो ये वाला हो गया हमारा ये 5 by 6 ये हो गया हमारा. तो ये हो गया हमारा आंसर. सो इस तरीके से हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना रहता है. ओके ठीक है. तो अभी सपोज आपके पास ये नंबर लाइन है 0 1 ओके 2 3 4 इधर -1 -2 -3 -4. तो आपको रिप्रेजेंट करना है सपोज लेट अस टेक सम एग्जांपल -7 by 4. अब ये माइनस वाला हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर. ओके इज इट रेशनल नंबर. यस दिस इज इन p/q फॉर्म. ओके बट इन द नेगेटिव -7 by 4 सिंस यू नो दैट दिस 4 गिव्स अस ओके द फर्स्ट यूनिट हैज़ टू डिवाइड इन 4 यूनिट पार्ट. सो आप यहाँ पे ऐसे कर लो. ठीक है आप देखो यहाँ पे मान लीजिए कि हम 0 कर दिए और यहाँ पे सपोज लेट अस टेक सम एग्जांपल 1 हो गया. तो 4 पार्ट्स में 1 2 3 कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया ना 4 पार्ट्स. ओके पार्ट्स कितने हो गए 1 2 3 4. फिर देखिए यहाँ पे ये 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ओके अब नाउ नंबरिंग स्टार्ट कर दो आप.
ये हो गया हमारा 4 1/4. ओके टेक अनदर कलर हियर, आई विल टेक रेड, दिस वन विल बी 1/4 एंड दिस इज माइनस साइन, दिस माइनस 1/4, दिस इज 2/4 माइनस में, 3/4 माइनस में, ये 4/4 माइनस में हो गया, तभी तो 1 आएगा. अगेन यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज यू हैव 2 माइनस में, ठीक है, इसको भी आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे. ओके एज जब भी आप फर्स्ट जो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी इन द सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा. सो लेट अस टेक रेड कलर अगेन, -5/4 हो गया, ये -6/4 हो गया, ये -7/4 हो गया, ये देखिए -8/4 हो गया, तो ही तो ये 2 हो जाएगा, 4 2 8 तो -2 होगा, यहाँ पे 4 × 4 दैट गिव्स यू -1. नाउ यू हैव टू लुक कंसीडर -7 पार्ट्स, तो देखिए कितना है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, मतलब ये हो गया हमारा आंसर. विच वन? दिस वन इज आवर -7, ओके -4, तो ये हो गया हमारा आंसर. तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट सम रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. अब वंस अगेन आई विल टेल यू, ओके जो P/Q रहता है, ओके P/Q अगर रेशनल नंबर है सो हमारा नंबर लाइन में जो फर्स्ट यूनिट है, ओके ये नंबर लाइन है -1, -2 सो ऑन ऐसे, तो दिस क्यू टेल्स अस ओके द फर्स्ट यूनिट हैव टू डिवाइडेड इनटू दिस मेनी पार्ट्स. ओके इसलिए बोल रहा डिनोमिनेटर ओके टेल्स अस फर्स्ट यूनिट हैव टू बी डिवाइडेड ओके इनटू दिस मेनी इक्वल पार्ट्स. व्हाट इज दैट? इक्वल पार्ट्स. ओके ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ये कहता है, और नोमिनेटर क्या कहता है, व्हाट आई विल चेंज द कलर, दिस नोमिनेटर, दिस इज नोमिनेटर ओके टेल्स अस ओके दिस मेनी पार्ट्स ओके हैव टू कंसीडर, उतने पार्ट्स को हमको देखना है. तो अब ये P/Q है तो मतलब ये क्यू पार्ट्स में, जैसे हमारे पास नीचे अगर यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो हमको इसमें 3 इक्वल पार्ट्स करना है. सो लेट अस टेक, वी हैव टू रिप्रेजेंट सपोज 2/3, तो ये हो गया हमारा 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, दैट इज वाई यू विल गेट हियर 1. सो ये हो गया, फिर अगला यूनिट भी हमको उतने ही पार्ट्स में, ये भी रिमेंबर रखना, अगला यूनिट जो है वो भी ओके सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 5/3 हो गया, ये 6/3, देन ओनली यू विल गेट 2 हियर, इजंट इट. अब ये देखिए 2/3 मतलब 2 पार्ट्स हमको कंसीडर करना है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर हियर, ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे. सो दिस इज 2/3. सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन द नंबर. ओके यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हो कि आपको 2/7 जो है इसको लोकेट करना है, तो ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है उसको आपको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो सपोज लेट अस टेक, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, ये वाला 1 है और ये हमारा 2 है, तो लेकिन हमको ये वाला जो फर्स्ट यूनिट है इस यूनिट को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो लेट अस डिवाइड 1 2 3 4 5 6, और ये वाला पार्ट 7 हो गया, तो कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7. अब आप इसको नंबरिंग स्टार्ट कर दो, ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7.
अब हमारे पास 2/7 मतलब हमको ऊपर नॉमिनेटर में कितना है कि दो पार्ट हमको कंसीडर करना है, तो ये हो गया हमारा वन पार्ट, ये हमारा टू पार्ट, तो दिस वैल्यू विल बी 2/7। ओके दैट इज़ वाई, सो ये एरो मार के मैंने नीचे लिखा है 2/7 एंड दिस इज आर आंसर। सो इन दिस वे यू कैन लोकेट, यू कैन रिप्रेजेंट सम रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके थैंक यू।